हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर रूपा मौर्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 बारीक कटे हुए प्याज, 2 लंबे कटे हुए प्याज, कुछ हरी मिर्च कटी हुई, बॉयल किए हुए मटर और ये 250 ग्राम पनीर कटा हुआ, ये हरी धनिया कटी हुई और ये कुछ टमाटर पीस के हमने रख लिए हैं। अब ये जो हमने पीसे हुए टमाटर लिए हैं, इसमें हम ये सुहाना का पनीर बटर मसाला मिक्स कर देंगे। ये जो मसाला है इसे हम टमाटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये कढ़ाई में हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा डाल होने के बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज भी हम इसी में। अब इन प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए हमारी प्याज जो है वो हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम ये हरी मिर्च भी डाल देंगे और कुछ देर के लिए हरी मिर्च को भी इसी में पकने देंगे। देखिए ये प्याज और हरी मिर्च जब ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम ये जो मसाला मिक्स करके रखा था हमने टमाटर इसमें ये जो मसाला है अब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं इसमें 1 चम्मच नमक मिलाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बॉइल किए मटर थे हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये कटे हुए पनीर ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसे मिलाएंगे पानी। जितनी सब्जी बनकर तैयार चाहिए हम इसमें उतना ही पानी मिक्स कर देंगे।
देखिए। अब ये एकदम तैयार है। दस मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। देखिए 10 मिनट बाद अब हमारा मटर पनीर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया। ये देखिए अब ये जो मटर पनीर है ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।